नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष अमावस्या की रात करें, ये गुप्त उपाय बन जाओगे। आप करोड़पति ना केवल आपको मिलेगा आपके भाग्य के साथ, बल्कि आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। एवं इस मार्गशीर्ष अमावस्या के पश्चात इन 12 में से 6 राशि वालों को करोड़पति बनने से नहीं कोई रोक पाएगा। 12 दिसंबर 2023 को मार्गशीर्ष अमावस्या पड़ रही है, और आपकी जानकारी की ये बता दें, मार्ग अमावस्या वही दिन होता है जिस दिन माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का सबसे सुनहरा मौका होता है। आपको बता दें, 12 दिसंबर 2023 के पश्चात शनि ग्रह के गोचर 6 राशियां वाले ऐसे होंगे जिनके जीवन में शनि देव जी की इनको वह कृपा मिलेगी जिसके पश्चात न केवल इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि शनि देव जी के आशीर्वाद से इनको अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ कहा गया है, यदि भी व्यक्ति अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से परेशान है और वह व्यक्ति केवल मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी के लिए थोड़ी सी ही पूजा पाठ और उपाय कर लेता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो केवल एक दिन की गई पूजा से आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता जिसके पश्चात आपके जीवन से हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती और आपके जीवन में लक्ष्मी जी के से धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आता है। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है, क्योंकि मार्ग शीर्ष अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में है। और यदि आप आज हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय 12 दिसंबर 2023 मार्ग शीर्ष अमावस्या के दिन करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात इस वर्ष आपको पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ का आपको कि मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन जिस दिन शनि जयंती पड़ रही है उसी दिन शनि ग्रह का गोचर पड़ने जा रहा है, और जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है इसका यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 12 की 12 राशियों में पड़ता है। मान के चलिए दोस्तों, 12 दिसंबर 2023 के पश्चात बताया जा रहा है कि शनि ग्रह के गोचर से इस बार 12 में से 6 राशियों वाले ऐसे लोग होंगे जिनको न केवल जीवन में अब इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि शनि देव जी की कृपा से इनके जीवन में इनको धन, सुख, वैभव की प्राप्ति होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति का शनि ग्रह, उस व्यक्ति लाखों शत्रु उसके खिलाफ खड़े हो वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। जिस व्यक्ति को शनि देव जी का आशीर्वाद मिल गया, फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में इतना कामयाब होता है कि समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। हमारे तंत्र में कहा गया है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला है, आपके ऊपर धन की वर्षा हो, और शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य हमेशा आपका दें। आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय लक्ष्मी जी कीजिए, भगवान शनिदेव जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी भी डाल दीजिएगा, आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय होगा जिस उपाय को करके आप लाभ पा सकते हैं, आपको फायदा हो सकता है, वो आपके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु कमेंट में अपनी राशि तो अवश्य आप डाल दीजिएगा, और अभी तक आपने कोई लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दें, शायद ये बात आपको पता ना हो, पूरे वर्ष जितने भी पंडित, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो मार्ग अमावस्या का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि मार्ग शीर्ष अमावस्या की रात को गई पूजा क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है, और कोई भी व्यक्ति वेद पुराणों के बताए गए उपायों को मार्ग शीर्ष अमावस्या के दिन कर लेता है, पूरे वर्ष उस व्यक्ति को उस पूजा का लाभ मिलता रहता है। इसीलिए इस वीडियो में आज आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताने आ रहे हैं जो बहुत साधारण से उपाय है, और इन उपायों को यदि आपने कर लिया तो एक तरफ तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, और माता जी का जिस भी व्यक्ति को मिल जाता है
उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की उसको प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप शनि देव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 7:30 चल रही है, आपके ऊपर शनि दोष लगा हुआ था, आपकी अड़ियां चल रही है, तो दोस्तों इसका प्रकोप खत्म तो नहीं किया जा सकता है, है परंतु इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। यदि आप किसी ऐसे पंडित के पास जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जो आपके वाला हो, और आप उससे यह कहे कि मेरी 7:30 चल रही है, मेरी अड्डियां चल रही हैं, मेरे ऊपर शनि दोष है, या इसको खत्म किया जाए, और वह पंडित यदि आपसे यह कहता है हाँ इसको खत्म किया जा सकता है, तो वह झूठ बोल रहा है। वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि 7:30 लगी है और किसी व्यक्ति के ऊपर शनि दोष चल रहा है, उस प्रकोप को लगभग लगभग बराबर किया जा सकता है, और इसके लिए पूरे एक ही दिन उपाय किया जाता है, वह है शनि जयंती के दिन। तो दोस्तों यदि आप एक ही दिन की पूजा से भगवान शनि देव और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, और इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है ये भी लिख लीजिएगा, और इन उपायों को करने पश्चात अवश्य ही आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने मिलेगा। चलिए आपको एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं, उपायों को किस मुहूर्त पर करना है बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, और उपायों को करने के पश्चात अवश्य ही आपको इसका लाभ मिलेगा। परंतु अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए सबसे पहला उपाय जो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय, और यह उपाय आपको सूर्यास्त के पश्चात करना है। के पश्चात मतलब 5:30 से 6:30 बजे के पश्चात कभी भी उपाय आप लोग कर लीजिएगा। एक लाल कपड़ा आपको लेना है, लाल कपड़े पर आपको एक लॉन्ग टीन कपूर, 51 काली मिर्च, 108 चावल के दाने रखने हैं। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, एक लॉन्ग टीन कपूर, 51 काली मिर्च के दाने और 108 के दाने, ये चार चीजें आप लोगों को रखनी है। ये रख लिया, अब आपको लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। लाल कपड़े बना लीजिए, अब आपके घर पर जो पूजा घर है जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है वहां पर आप बैठ जाइए। बैठने के पश्चात सबसे पहले आप एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जो आप जला रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको यहां रखनी है और माता लक्ष्मी जी का मंत्र बोलना है। बीज मंत्र कौन सा है माता लक्ष्मी जी का पर लिख लीजिए, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। इस बीज मंत्र का जाप 1001 से पश्चात ज्यादा आपको करना है। अब आपने ये कर लिया, माता लक्ष्मी जी के चरणों से इस पोटली को छुआइए और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इतना उपाय यदि आप लोगों ने मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन कर लिया तो ये स्टैंप पर हम आपको लिख के दे रहे हैं, आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है दोस्तों। माता लक्ष्मी जरूर ही आपको आशीर्वाद देंगी, और जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा। दूसरा उपाय जो हम बताने आ रहे हैं दोस्तों वो है शनि दोष के प्रकोप को कम करने का महा उपाय, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं दोस्तों। शनि दोष किसी का भी खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु हां यदि आपकी 7:30 है, शनि दोष चल रहा है, तो इसके प्रकोप को लगभग लगभग ना के बराबर किया जा सकता है। अब यदि आप चाहते हैं कि शनि दोष आपका कम हो जाए तो आपको क्या करना है कि पश्चात आप लोग एक काला कपड़ा ले लीजिए, और काले कपड़े में काली मिर्च, 51 काली मिर्च के ऊपर 1 रुपए का सिक्का और इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली जब बनाइएगा तो काले धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। सूर्यास्त के पश्चात किसी भी शनि मंदिर के बाहर जाकर के इस पोटली को रख दीजिए। यदि वहां पर कोई भिक्षुक मिल जाता आपको भिक्षुक को दे दीजिए और घर पर वापस चलाइए। बस इतना करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इतना करने भर से मांगे। चलिए जो ऊपर शनि दोष है, 7:30 ही चल रही है आपकी दोस्तों, इसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तीसरा उपाय है शनि देव जी को प्रसन्न करने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं
कि आपका शनि का साथ दे, शनि देव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो आपको क्या करना होगा? एक बहुत सरल सा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही आसान सा है दोस्तों। घर पर सात रोटी बनवा, सात रोटी किसी भी काले कुत्ते को खिला दीजिए सुबह से लेकर के रात के बीच में। ये उपाय 12/2023 के दिन कर लीजिए। पूरे वर्ष शनि देव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है इस उपाय को करने के पश्चात आपका शनि ग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। अब जो ये उपाय हम आपको बताने वाले हैं कर्ज मुक्ति का महा उपाय है। देखिए दोस्तों, यदि व्यक्ति कर्जा लिया होता है तो उसको नींद नहीं आती और वो खाना खाना कम कर देता है, क्योंकि कर्जे की एक ऐसी समस्या है जो इंसान का जीना हराम कर देती है। और यदि आपने कर्जा लिया हुआ है, आप कर्ज के बोझ में दबते हुए चला रहे हैं, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे। और यह पूरे वर्ष में केवल मार्ग शीर्ष अमावस्या के दिन किया जाता है। पीतल की कटोरी लीजिए, पीतल की कटोरी में भरिए गंगा जल। गंगा जल भरने के उसमें रखिए एक रुपए का सिक्का सूर्यास्त के पश्चात। इसी कटोरी को ले जाकर के घर की छत पर जगह रखिएगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। बस इतना आपको करना है 20 मई 2023 जो शनिवार का आपको सौ करके उठना है, नहाना है, धोना है, उस कटोरी को उठाकर के लाइए एक रुपए के सिक्के को वापस से धो लीजिए, लाल कपड़े में लपेटना या तिजोरी में रख दीजिए, जहां पर आप लोग पैसा सोना चांदी रखते हैं। बस इतना आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपने जो भी कर्जा हुआ है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से वह कर्जा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो आपने सिक्के का उपाय किया है, यही जिक्र आपके जीवन के हर दोषों को खत्म कर देगा। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जो यदि आप करते हैं तो आपके घर की बरकत भी होगी। आपके घर होंगी, मान लीजिए आपके घर पर काला जादू हुआ है, केवल मार्ग शीर्ष अमावस्या के दिन आपके घर पर जो भी विद्या, काला जादू, धन तंत्र, शक्ति काली विद्या, कुछ भी ऐसा कराया गया था, इसका प्रकोप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और यह उपाय करने के पश्चात आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। अब कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन शनिदेव वो कृपा मिलने आ रही है, जिसके पश्चात ये राशि वाले अपने जीवन में अब एक भाग्यशाली और चमत्कारी समय देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, है वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहली खुशनसीब राशि जो है दोस्तों, वो है राशि तुला। राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपको शनि देव जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में अनेक तरह की कोई सफलताएं हासिल होंगी। इस शनि जयंती के पश्चात यदि आप लोग नया व्यापार शुरू करते हैं तो मान के चलिए आपको लाखों धन पाने की योग्य बन रहा है। आपने जो पिछला कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के में आप लोग दबते हुए चले आ रहे थे तुला राशि वालों का, वह कर्ज अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जीवन साथी का भी अब आपको साथ मिलेगा और आपके जीवन में अनेक तरह की आपको सफलताएं मिलेंगी। अब आपको क्या करना चाहिए, तो ध्यान रखिए प्रत्येक शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ को एक लोटा जल देना शुरू कर दीजिए, इससे शनिदेव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दूसरी खुशनसीब राशि है मकर राशि। तो मकर राशि बताया जा रहा है, जो नौकरी की आप तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी इस शनि जयंती के पश्चात। समझा जा रहा है कि नौकरी जो आप कर रहे थे उसमें आपको प्रमोशन देखने को मिले, नई प्रॉपर्टी, नया वाहन खरीदने के लिए पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपके व्यापार में आप वृद्धि देखने को मिलेगा। इसी तरह से अनेक तरह की सफलताएं आपको हासिल हो सकती हैं। अब आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि प्रत्येक को आप लोगों को किसी भी पीपल के पेड़ के पास एक सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के पश्चात जलाना होगा। इससे आपका शनि हमेशा आपका साथ देगा। और यदि आप सिंह राशि के हैं, कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल मिलेगी। इस 12 दिसंबर 2023 के पश्चात धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। सिंह राशि वालों का मार्केट में अटका हुआ पैसा वापस से इनको मिल जाएगा। और यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं तो वहां से दुगना, चार गुना, 10 गुना तक बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि यदि आप लोग प्रत्येक शनिवार को काले तेल का दान करना शुरू कर दें
तो इससे आपका शनि ग्रह इस तरीके से हो जाएगा जिसके पश्चात जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।